फ्रेंड्स, आई एम कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट। आइए हम अपने प्ले विद वोकैब सीरीज का जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं, पर उसके पहले ये प्यारा सा मोटिवेशनल कोट आपके लिए। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, विदाउट ए हम्बल बट रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन योर ओन पावर्स यू कांट बी सक्सेसफुल और हैप्पी। आइए शुरू करते हैं इस प्यारा सा कोट के बाद। इसे कृपया समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये आपके डे टू डे लाइफ में मदद करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज का हमारा अगला मीनिंग है एब्सटेंशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एब्सटेंशन इज ए फॉर्मल एक्ट ऑफ नॉट वोटिंग आइदर फॉर और अगेंस्ट ए प्रपोजल। अगर जो इसकी हिंदी मीनिंग की बात करना चाहें तो इसका अर्थ होता है तटस्थता। तटस्थता अर्थात आप ना तो आप किसी के साइड नहीं पकड़ते हैं, आप तटस्थ रहते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देयर वेयर हाई लेवल्स ऑफ एब्सटेंशन इन द लास्ट इलेक्शन। किस चीज के लिए? फ्रॉम वोटिंग। यानी बहुत सारे वोट लोगों ने अपना वोट ना तो अगेंस्ट में डाला और ना तो फॉर द मोशन के लिए डाला। अगेंस्ट द मोशन, फॉर द मोशन का मतलब होता है ना तो विरोध में और ना तो उनके तरफ। नेक्स्ट, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम समवन समथिंग सच एज एल्कोहलिक ड्रिंक और सेक्स, ऑफन फॉर हेल्थ और रिलीजियस रीजंस। एब्सटिनेंस का अर्थ होता है भोग विलास आदि से दूर रहने का आचरण, संयम, परहेज। देखिए, किस चीज से? एल्कोहलिक ड्रिंक से, सेक्सुअल एक्टिविटी से। ये किस पर्पज से होता है? ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और कुछ रिलीजियस आचरण को रिलेटेड होता है, रिलीजियस पर्पज से होता है। इसकी नेक्स्ट मीनिंग की बात अगर जो करना चाहें तो ये है, एब्सटिनेंस इज ए सेल्फ इन्फोर्स्ड रिस्ट्रेंट फ्रॉम इंडल्जिंग इन वॉर्डली एक्टिविटीज दैट आर वाइडली एक्सपीरियंस्ड एज गिविंग प्लीजर्स। मोस्ट फ्रिक्वेंटली द टर्म रेफर्स टू सेक्सुअल एब्सटिनेंस। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल एब्सटिनेंस और एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, ड्रग और फूड। यानी जितनी भी गलत आचरण है उससे दूर रहने का सलाह देता है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। क्या होता है इसका नेक्स्ट मीनिंग? फॉरवियरेंस फ्रॉम एनी इंडल्जेंस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द यूज ऑफ एल्कोहलिक बीवरेज। बीवरेज का मतलब पेय पदार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। बीवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। ठीक है, ये आपको सलाह देता है कि किसी भी गलत चीज से जो कि आपके लिए हानिकारक हो, यथा एल्कोहलिक ड्रिंक सभी जानते हैं हमारे लिए हानिकारक होता है, इससे दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम सम एक्शन और फ्रॉम द यूज ऑफ समथिंग स्पेशली एल्कोहल। ठीक है, यानी हर चीज में ये बोल रहा है कि स्पेशली अल्कोहल, सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो कि गलत आचरण है। फर्स्ट साइट में हमें लगता है कि गलत आचरण, इसे दूर रहने की सलाह देता है। क्या है? एब्सटिनेंस, यह प्रकृति से नाउन है। एनी सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिनायल और फॉरबियरेंस। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिनायल। यानी आपको अपने आप पे कमांड होना चाहिए कि ये गलत है, इसे हम नहीं करें। सिनोनिम की अगर जो बात करें तो इसका सिनोनिम होगा एब्सटिमियस, सोवेरेटी। ठीक है, टीटोटलिज्म और एब्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अ हर्मिट लीड्स ए लाइफ ऑफ एब्सटिनेंस। आप किसी साधु संत को देखते होंगे, वो सांसारिक प्लीजर से हमेशा दूर रहता है। और जैसे आप बाबा रामदेव का ही एग्जाम्पल ले लें, देख लीजिए वो कितने स्वस्थ रहते हैं। तो एब्सटिनेंस का मीनिंग ये हुआ। इसे आप अपने सेंटेंस में ढालने की कोशिश कीजिएगा, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सार। सार मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा पैसेज दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ है और उसको संक्षेप करके, बचपन में आप पढ़ते होंगे प्रेसी राइटिंग, संक्षेपण, यानी वही एब्स्ट्रैक्ट हो गया। उसका एक सार आपको बता दिया जाए कि हाँ ये है क्या और आप इसे समझ सके, ताकि पूरे पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इसका क्या अर्थ होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और वे ऑफ थिंकिंग इज बेस्ड ऑन जनरल आइडियाज रेदर देन ऑन रियल थिंग्स एंड इवेंट्स एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया नॉट एज फिजिकल थिंग्स। ये एक आइडिया ही होता है, ना कि एक कोई मैंने फिजिकल थिंग्स होता है। नेक्स्ट मीनिंग इसका देखें, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल, मैंने अभी कहा।
कि कोई आर्टिकल आया है उसका एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और स्पीच इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ इट, उसका इसे एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कोई बहुत बड़ी आर्टिकल है उसे संक्षेप में कैसे समझा जाए, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट आर्गूमेंट और डिस्कशन इज जनरल एंड नॉट बेस्ड ऑन पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स, ठीक है फ्रेंड। इसे आप कोशिश कीजिएगा अपने सेंटेंस में ढालने का। आइए हम अपने नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। अगर जो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो दिस डिबेट इज बिकमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट, लेट्स हैव सम हार्ड फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट, एब्स्ट्रूज ये एडजेक्टिव है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अव्यक्त, जिसे कोई चीज व्यक्त नहीं किया जा सके। यू कैन डिस्क्राइब समथिंग एज एब्स्ट्रूज इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली वेन यू थिंक इट कुड बी एक्सप्लेन मोर सिंपली, ठीक है। एब्स्ट्रूज का मतलब कोई चीज इतना कॉम्प्लेक्स जिसे समझा ना जा सके, ठीक है। नॉट नोन और अंडरस्टूड बाई मेनी पीपुल, जैसे मैथ का लीजिए, मैथ इज एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट। कुछ के लिए तो एकदम बिल्कुल आसान होता है, लेकिन कुछ के लिए वो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो समझ में नहीं आता है कैसे इसको शुरुआत करें। अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो ऑब्स्क्योर उसका परफेक्ट सिनोनिम है। रिकंडाइट, देखिए बहुत बार पूछा ये सिनोनिम, रिकंडाइट। इनकम्प्रीहेंसिबल, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड परफेक्ट सिनोनिम है इसका। एनिग्मेटिक, ये भी सिनोनिम बहुत बार पूछा जा चुका है, 2012-13 ये LDC में पूछा जा चुका है। इसका एक और मीनिंग हो सकता है पजलिंग, PUZZLING, पजलिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, COMPLEXS। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी सिनोनिम दिया हुआ है इसे डिक्शनरी से खोजिए कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, और उसे सेंटेंस में ढालने की कोशिश कीजिए। अब हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे एब्स्ट्रूज, और इसको पूछ दे कि आर से बताइए इसका सिनोनिम, तो इसका रिकंडाइट। तो इस तरीके से याद कीजिए कि एब्स्ट्रूज का ओ से सिनोनिम क्या होगा, आई से क्या होगा, सी से क्या होगा, ई से क्या होगा। इस तरीके से याद कीजिएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट आइए एब्सर्ड। एब्सर्ड का अर्थ होता है बिल्कुल बेतुका, बोल सकते हैं इसको बेतुका, इसे रिडिकुलस भी बोल सकते हैं। If you say that something is absurd, you are criticizing it because you think that it is ridiculous or that it does not make sense. यानी बहुत सारे लोग को आप बात करते सुनते होंगे, बिल्कुल ऑफ द टॉपिक बात करते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा हो, रिडिकुलस हो, जिसका आपसे कोई लेना देना ना हो, बस जो मुंह में आया बोल दिए, ठीक है। इस ऐसे सेंस में हम एब्सर्ड का यूज करते हैं, रिडिकुलस का यूज करते हैं, नहीं बोलते हैं हाउ स्टूपिड यू आर, स्टूपिड एंड अनरीजनेबल, सिली, सिली की सेंस में इन ए ह्यूमरस वे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज एब्सर्ड फॉर द काउंसिल टू कट टैक्सेज विदाउट प्रपोजिंग अनदर वे टू रेज मनी, ठीक है। सिनोनिम इसका रिडिकुलस हो जाएगा, RIDICULOUS, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग आइए एवंडेंस। एवंडेंस का मतलब होता है अधिक, बहुतायत, ठीक है, बाहुल्य। एन एबेंडेंस ऑफ समथिंग इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट, अगर जो बोलते हैं कि कोई चीज इसका एबेंडेंस में है, यानी बहुत सारे क्वांटिटी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट दैट इज मोर देन एनफ, मोर देन सफिशियंट। देखिए इसका इसका सिनोनेम ये भी हो सकता है कॉपियस, COPIOUS, बहुत बार पूछा है। कॉपियस सप्लाई, ग्रेट अमाउंट, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स एंड ओलिव्स ग्रो इन एबेंडेंस इन द वैली, देखते होंगे ग्रेप्स जो होता है वो गुच्छा में, बंच में होता है, बहुत सारा उसमें होता है, दैट इज एबंडेंस ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अगर जो इसका सिनोनिम की बात करें सिमिलर मीनिंग का, तो प्रोफ्यूजन, PROFUSION, देखिएगा ऐसे ही पूछ सकता है कि एबंडेंस का पीस सिनोनिम क्या हो सकता है, प्रोफ्यूजन। सरप्लस ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है, प्लेंटीट्यूड, कॉपियसनेस, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारे मीनिंग को आप कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड में ढालने का, डिक्शनरी के थ्रू जाइए और वर्ड में ढालिए इसको, तभी याद रह पाएगा। अब नेक्स्ट हम अपनी मीनिंग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है एव्यूज। आम बोलचाल की भाषा में भी इसे बोलते हैं कि गाली मत दो, एव्यूज, यानी क्रूएल शब्द का प्रयोग करना जो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एव्यूज ऑफ समवन इज क्रूएल एंड वायलेंट ट्रीटमेंट ऑफ देम, ठीक है। जैसे
बहुत बार यूज होता है सेक्सुअल अब्यूज, आजकल हमारे देश में सुनते होंगे अभी एक नया एक्ट आया पॉक्सो एक्ट, इसमें क्या है जो बाल यौन अपराध है जो चिल्ड्रेन सेक्सुअल अब्यूज है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं अब्यूज को, क्रूएल एंड वायल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो एडल्ट हो नहीं चुका है, जो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, उसके साथ ऐसी क्रिया करना, टू यूज समथिंग फॉर द रॉन्ग पर्पस इन ए वे दैट इज हार्मफुल और मोरली रॉन्ग, यानी नैतिक रूप से भी गलत है, यौन अपराध, बाल यौन अपराध जो नैतिक रूप से भी गलत है, ठीक है, तो उसे मोरली रॉन्ग कह सकते हैं। तो अब्यूज का अर्थ सिर्फ गाली देना नहीं हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारे सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल ना हो, जो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल डिफरेंट हो, जो प्राकृतिक रूप से एक्सेप्टेबल ना हो, नेचुरली एक्सेप्टेबल ना हो, दैट इज यू कैन से अब्यूज। अब्यूज इज एक्सट्रीमली रूड एंड इंसल्टिंग थिंग्स दैट पीपुल से व्हेन दे आर एंग्री। कभी कभी जब पीपुल देखते होंगे ज्यादा ये मतलब कि अनसिविलाइज्ड लोग जिसको बोल सकते हैं, वो अपने आम बोलचाल की भाषा में हमेशा गाली गलौज का यूज करते हैं, दैट इज अब्यूज। इफ समवन इज अब्यूज्ड दे आर ट्रीटेड क्रूएली एंड वायलेंटली। अभी मैंने आपको समझाया कि किसी को समवन इज अब्यूज्ड तो उसे वायलेंटली और क्रूएली ट्रीट किया जाता है। ही इज कंटिन्यूअली अब्यूजिंग हिज पोजिशन ऑथोरिटी बाय गेटिंग अदर पीपल टू डू थिंग फॉर हिम। मान लिया किसी को पावर मिल गया तो उस पावर का अब्यूज कर रहा है, यानी गलत यूज कर रहा है, उसका यूज है जनता के लिए तो उसके विरुद्ध में यूज कर रहा है। अभी बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे यूपी में भी देख रहे हैं उन्नाव रेप केस, जो बीजेपी वो एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, वो अपने पावर का अब्यूज किया, ठीक है, उसे बोल सकते हैं। इसे सबसे बेस्ट सेंस अभी करेंट केस में इसे आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है, एबिस्मल। If you describe a situation or the condition of something as abysmal, you think that it is very bad or poor in quality. ठीक है, बहुत बुरा जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, very bad और very low standard, ध्यान दीजिएगा। The standard of the students' work is abysmal. The quality of mental health care is abysmal. जैसे कोई कोई प्राथमिक चिकित्सालय में देखिए, तो वहां जाइए तो वहां कोई भी चीज अवेलेबल नहीं हुई है, कोई भी जो चिकित्सा का उपकरण अवेलेबल नहीं है, तो बोल सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ दैट मेंटल हेल्थ केयर इज एबिस्मल या दैट हॉस्पिटल इज एबिस्मल। ठीक है, हैविंग इमेंस और फैदमलेस एक्सटेंशन डाउनवर्ड बैकवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, इसका बोल सकते हैं एक और मीनिंग हो सकता है इमेंस फैदमलेस, यानी जिसका हम मतलब कि पाताल तक नहीं पहुंच पाए, पाताल मालूम ही ना पड़े, उसका अधस्थल ज्ञान ही ना हो, दैट इज एबिस्मल। एन एबिस्मल क्लिप, जो बहुत गहरा हो, एबिस। एन एबिस इज ए वेरी डीप होल इन द ग्राउंड और वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। ये भी देखिए इसका एक नया मीनिंग है, जब जो मैंने लास्ट मीनिंग आपको समझाया उसी से मिलता जुलता है ये भी। ठीक है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट ब्रिंग्स ट्रबल और डिस्ट्रक्शन, इस एविश का एक ये भी अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए आप अपने इसे बार बार मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस में ढालने की कोशिश कीजिए, और ऐसा नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे लिखिए और लिखने के बाद इसे सोचिए कि इसे कैसे मैं सेंटेंस में ढाल सकता हूं, तभी ये आपके काम आ पाएगा, नहीं तो फिर तो मूवी की तरह देखिए और भूल जाइए। ठीक है, अगर जो इसकी नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो वो है, इफ समवन इज ऑन द एज और ब्रिंक ऑफ एन एविस दे आर अबाउट टू इंटर इनटू वेरी फ्राइटेनिंग और थ्रेटेनिंग सिचुएशन। ठीक है, अगर जो कोई व्यक्ति या व्यक्ति ऑन द ब्रिंक ऑफ एन एविस है तो वह बहुत ही खराब सिचुएशन में है। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री इज सिंकिंग या प्लंगिंग इनटू एन एविस ऑफ वायलेंस एंड लॉलेसनेस। ठीक है, वह जो एक कंट्री के बारे में बात कर रहा है जहां मतलब कि ना तो कोई व्यवस्था है ना कुछ है, ठीक है, तो वो ऑन द ब्रिंक ऑफ एविस कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट है एसिड। एसिड मतलब क्या होता है, किसी अनुरोध मांग आदि को मान लेना। इफ यू एसिड टू समवनस रिक्वेस्ट, ठीक है, यू डू व्हाट दे आस्क और टू एग्री टू डू व्हाट पीपल हैव आस्क्ड यू टू डू। ध्यान दीजिएगा, ये एसिड हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, एसिड टू, ठीक है, यानी किसी अनुरोध मांग आदि को मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डाउटफुल वेदर द गवर्नमेंट विल एवर एसिड टू द नेशनलिस्ट डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है,
देखिए कहीं कहीं फ्रेज के रूप में भी यूज होता है, ए शीट टू थ्रोन, ए शीट टू पावर मींस टू बिकम ए किंग और क्वीन और टू टेक ए पोजीशन ऑफ पावर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द डायरीज वेयर रिटन इन 1837 व्हेन क्वीन विक्टोरिया एसीडेड टू द थ्रोन, ठीक है, एसीड टू द थ्रोन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि आप किसी सिंहासन पे आप रूबरू हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। सिनोनिम की बात करें एक्सक्यूज ए सी क्यू यू आई ई एस सी, ठीक है, एग्री, एसेंट, कम राउंड, कंसेंट, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा प्लीज आप अपना रिव्यू दीजिए और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी सुधार करते रहें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।